हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज से एक नए लीगल टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है व्हाट इज द बेस्ट फॉर हस्बैंड, डिवोर्स या खुला। इससे पहले हमारा एक लेक्चर मौजूद है व्हाट इज द बेस्ट फॉर वाइफ, डिवोर्स और खुला। वाइफ के लिए क्या बेस्ट है ये हमारा लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहे। आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि हस्बैंड के लिए क्या बेहतर होगा कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे दे या फिर वो कोर्ट से खुला ले ले, खुला में जाए या फिर खुला में जाने का वेट करे या फिर डिवोर्स दे दे। हस्बैंड के लिए बेहतर क्या है ये आज हम देखना चाहते हैं। ऑप्शन दोनों है, डिवोर्स भी है खुला भी है। तो हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के नुक्ता नजर से आप देखते हैं कि हस्बैंड को क्या बेहतर होगा उसके लिए। देखिए इस पर बहुत एक ये एक यूनो के इंपॉर्टेंट इशू भी है और इशू टॉपिक भी है। अलहदगी जब होती है तो सेपरेशन होने लगती है, तो हस्बैंड के लिए क्या बेहतर होगा कि वो अपनी बीवी को तलाक दे या वो खुला ले। खुला के लिए यूनो के औरत को ये एक और भी हम बात क्लियर कर देते हैं, ये एक भी कंसेप्ट यहां मौजूद है कि हस्बैंड खुला देता है। देखिए हस्बैंड खुला नहीं देता, काजी वक्त खुला देता है, फैमिली कोर्ट खुला देती है, हस्बैंड डिवोर्स देता है। हाँ आप म्यूचुअली तौर पर डिवोर्स मुबारक डिवोर्स भी कर सकते हैं। और अगर खुला की बात आती है, खुला के लिए औरत को कोर्ट जाना पड़ता है जिसमें ऑफ कोर्स 3-4 महीने भी लगते हैं, कोर्ट फीस भी होती है, वकील को भी फीस देनी पड़ेगी, वकील भी एंगेज करेंगे तो, और उसके बाद जो है वो प्रोसीडिंग होगी, नोटिस जाएगा, तो फिर जाके और उसमें खासकर जो हक महर है वो बीवी को छोड़ना पड़ेगा और हक महर के बदले में फैमिली कोर्ट जो है उसको बीवी को जो है वो खुला ग्रांट करती है। और ऑफ कोर्स औरत के लिए ये एक टाइम भी इसमें ज़्यादा लगता है और उसके लिए एक मुश्किल मरला भी है, फीस भी उसको पे करनी पड़ती है, वकला की फीस भी देनी पड़ती है। जहाँ तक तलाक की अगर हम बात करते हैं, तलाक तो एक मर्द देता है, हस्बैंड देता है। तलाक की सूरत में हस्बैंड को, हाँ अगर वो तलाक देगा तो उसको तलाक देनी पड़ती है। तो अक्सर यही देखा गया है, मर्द कहता है कि मैं तो तलाक नहीं दूंगा, आपको जाना है तो जाएं, आप जाके कोर्ट से खुला ले लें। ये एक तंग करने के लिए कहा जाता है, मैं तो किसी हालत में आपको तलाक नहीं दूंगा, जाए खुला ले ले। अगर देखा जाए ये हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स अगरचे वो उसको तंग करने के लिए ऐसा करता है कि कहां फीस आएगी, कैसे धक्के खाएगी, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बीवी ठान लेती है, जब बीवी फैसला कर लेती है, और वैसे भी ये याद रखे बीवी फैसला पहले करती है और प्रैक्टिकली कदम बाद में उठाती है। पहले उस हस्बैंड से तलाक लेने का एक डिसीजन कर लेती है, पहले डिसीजन करती है, फिर उसका घर छोड़ती है, फिर जाके कहीं केस फाइल करती है। जबकि हस्बैंड ऐसा नहीं करता, हस्बैंड उल्टा पहले काम कर लेता है, फिर सोचता है, फिर कहता है यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं था, मैंने तो जल्दबाजी में तलाक दे दी, मुझे तो तलाक देनी नहीं चाहिए थी, मैं तो जज्बात में आ गया था, मैं तो गुस्से में आ गया। जबकि औरत पहले अच्छी तरीके से सोच समझ ज़हनी तौर पर वो हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी होती, फिर वो फिजिकली और लीगली तौर पर अलहदा होने के लिए कोर्ट में केस फाइल करती है। तो उस हस्बैंड का मकसद बेसिकली यही होता है कि मैं बीवी को तंग करूं। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर बेस्ट की हम बात करते हैं, ये हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं है कि उसकी बीवी जाके खुला ले ले, क्योंकि अगर खुला लेती है तो ये बीवी के लिए बेस्ट है, हस्बैंड के लिए बेस्ट नहीं है। तो बाद में अगर कोई बात करती है दूसरी शादी की तरफ जाते तो ये कहा जाता है कि ये समझा जाएगा कि हस्बैंड अच्छा नहीं था, बीवी नहीं जाके तलाक ले ली। अगर हस्बैंड तलाक देता है तो वो उसके लिए बेहतर ये होगा, वो ये कहेगा कि मेरी बीवी सही नहीं थी, मैंने तो उसको तलाक दे दी। तो इसलिए हस्बैंड के लिए बेहतर होगा कि वो बीवी को तलाक दे दे बजाय उसकी बीवी कोर्ट से खुला ले। आप यही एक उसके लिए बेस्ट तरीका है। मर्द के लिए तलाक इज द बेस्ट, अगरचे इस बेस्ट तरीके में उसको उसमें तलाक देने की सूरत में उसको हक महर भी देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम ये सजेस्ट करेंगे ये बेस्ट है हस्बैंड के लिए अगर बीवी को तलाक देना चाहता है, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा है आने वाले वक्तों के लिए। उसके लिए एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है या जो एक सोसाइटी का इफेक्ट है वो अच्छा नहीं पड़ता अगर वो बीवी उसकी तलाक ले लेती है। इसलिए मर्द के लिए यही अच्छा है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्योंकि मर्द इसलिए देता है कि उसकी बीवी अच्छी नहीं थी और उसकी बाकी जिंदगी में दाग धब्बा, ऑफ कोर्स अगर बीवी तलाक लेती है तो लग जाएगा, लेकिन अगर खुद वो देता है तो वो दाग वो धब्बा वो चीजें उस पर नहीं लगेगी। इसलिए हस्बैंड ज्यादातर जो समझदारी से काम लेते हैं वो प्रेफर करते हैं बीवी को तलाक देना बजाय इसके उसकी बीवी खुला के लिए जाए।
इस तरीके से बहुत से हमारे भी मैटर्स आए, तो हमने उसको खुला का केस फाइल किए हुए हमने वो केस डिसमिस कराया, खुद उसको तलाक दी, क्योंकि हस्बैंड के लिए बेहतर है कि वो तलाक दे, हक मेहर भी दिया और तलाक दे। हालांकि अगर वो खुला ले लेती तो उसका हक मेहर भी बच जाता, खुद ही जो करते करते रहती, तंग होती हस्बैंड की तो वैसे जान छूट जाती। लेकिन अगर बेस्ट की बात करते तो बेस्ट ये है कि हस्बैंड जो है तलाक दे। औरत के लिए खुला लेना अच्छा होता है, हालांकि टाइम ज्यादा लगता है, हकमर भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी बीवी को चाहिए कि वो हस्बैंड को इन्फोर्स ना करे कि मुझे तलाक दे, बल्कि खुद जाके अगर बीवी की बात करते तो कोर्ट से खुला ले ले। क्योंकि खुला याफ्ता बीवी को अच्छा माना जाएगा, तलाक याफ्ता को बुरा माना जाता है। इसलिए हस्बैंड के नुक्ता नजर से तलाक इज द बेस्ट, जो आज का हमारा लीगल लेक्चर भी है कि हस्बैंड को चाहिए बीवी को तलाक दे दे बजाय इसके वो खुला ले। इसके साथ इजाजत कर, फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।